तो मने कि दोनों जना के याकिल फैसला। बिजली लकीर खींचे के शुरू करा, इंच भर जमीन से भी समझौता मंजूर ना हो कि हमरा। हाँ बिजली, हमो एकदम मूड में पानी, ये लकीर एकदम नाक के सीध पे खिंचाए के चाहिए, और खींचत समय जरा भी हाथ कांपे के ना चाहिए। बतावा लो कि का चलत है तोनों की दोनों की मन में। पूरा घर के कुरुक्षेत्र बना के रख दिले बाड़ा सा, समझ में नहीं खियावो। अरे वो बूढ़ मातारी बाप भैला उन्हों का लाज भुला गईला से एकदम से। आलोक काहे शांत हुआ? अरे तू तो मिलनसार सामाजिक आदमी ना हुआ का भाई, क्यों कान भरत तुआर? अरे मन खचरिया गल का एकदम से। वाह भैया वाह, अगर हम सब के बात मानी तो आलोक के घर में सबसे बढ़िया। आज अगर हम अपन दिल के बात रख देनी तो एक घर में आलोक सबके दुश्मन हो गए। अपन मन के बात सुने के चक्कर में आप दूसरा के मन के परेशानी में ना डाल सके। तारा से क्या पूछ रखा? आपसे क्या कहला सा? अरे भैया तुम ध्यान दलो, बड़ भाई खड़ा है, जबान या आंख नीचे रख के बतियाव लो। तो सच बताती मार के मुंह हमारा दोनों जना का लाल कह दे। कितना तोता मैं नमती ने बाबूजी समझा के गई ना तुम के, फिर भी बात का असर ना पड़ते बेटा तो लोगों पर। खानदानवा का नुआ हसावे पर लगा हुआ सका एकदम से। हेलो निखिल, देखा जोन भल तुम भाई। अरे भाई अब असरे, अब समस्या बना समाधान पर बात होती। बोला लो का दिक्कत हो गया? बोला हमरा कोनो दिक्कत नहीं के भैया, लेकिन हमरा के बात वो भीमसरिया घर में कब ना आई? लेकिन कहे ना आई? काहे के जवाब आपके पता बा, दोबारा काहे में सवाल करे के कोशिश में मत करिया मछली भैया। भैया बीतल बात पता हम बात ना करें, लेकिन एक बात रोड़ा से हम कहे के चाहता नहीं, अगर हमार गेस्ट खातिर एक घर में जगह नहीं खे तो अभी हम ये घर त्याग दे। आलोक अभी के अभी। अरे वाह बहुत बढ़िया, का अपन बात घुमा फिरा के कादे बने आप। आप काहे घर छोड़ता नहीं? घर छोड़ब हम और श्यामा, यह ख्वाब बना आपके और आपके प्रिय धर्म पत्नी माया जी के। वाह भाई वाह, कमाल बारे कमाल बा, कौनी दुविधा में डाल दला सरे हमके तो अंदर है। ये जन बाबू जी हमके पूरा परिवार का पूरा घर का जिम्मेदारी सौंप के गई ना कि ये बेटा एगो माला में परिवार के एकता पिरो के रखिया, अब तो लोग इतना नीचे गिर गई ना कि इतनी एगो छोट सी बात पे तुम के घर छोड़ के जाता वास। अरे का गौवा में नौवा हंसाओ थवा घरवा के लोगे भैया, ये समाधान मिलल तो हम लोगन के? टल सकेला ही नौबत, घर के दो बराबर बराबर हिस्सा में बांट दी, बस झमेला खत्म। मिल गए रास्ता, मिल गई रास्ता मिलन के। थैंक यू। चुप चुप चुप, तीन बार भाव 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 ना करे के। हमरा मालूम बा कि तू दुन्नू भूखल बड़ा, मिली मिली अगर हमरा के श्यामा, अगर नाम मिली तो तू दोनों के भोजन मिली। जे हमार बात ना मानी तो हर अगला निवाला उहे होए। चला तैयार होगा हमार ससुरार जाए के बाद तारा। क्विक
आज हमरा देरी पसंद नहीं खे। आज श्यामा के घर से ओकरा घर वालन के आंखी के सामने से श्यामा के अपहरण होई। आवतानी हम श्यामा आवतानी तैयार रहा तू। कैसन दिन दिखावता नहीं कृष्णा श्यामा हुए था ये होके जाता वो सब आपन हम सब आपन न उधव के लेवे के न माधव के देवे के जमीन और छत। अरे आप दोनों भाई एक माई के कलेजा और एक बाप के विश्वास के बंटवारा कर रहल बानी। इस संपत्ति के ना इस घर के परंपरा के बंटवारा बा परंपरा के संस्कार और परंपरा के बीन बजावल बंद करा श्यामा। बिल्कुल ना करा और ना इस घर के बंटवारा होके दे बा। का साबित करे चाहता निया जे लोग मिल के हमेशा आपके नीचा दिखावे के प्रयास करत रहे उनके खातिर आंसू एक बार कान खोल के सुन ली। इस घर में सुख शांति तब आई जब इस घर के बंटवारा होगी। फाइनल बा ई आंसू केहू व्यक्ति विशेष और के हमरा संगे का कैले बा उ खातिर नहीं खे। और अगर आपके इज्जत बा कि ई घर के बंटवारा होके ही रही तो हमार भी प्रण बा कि हम ई घर के बंटवारा ना होके दे। इतना भी इज्जत ठीक नहीं खे श्यामा। इज्जत ना हमार कर्तव्य बा। के देले बा के कर्तव्य उ ता उहे दिन मिल गए रहे जौन दिन हमार मांग में ई घर के सिंदूर पड़ गए रहे। तो ठीक बा तो दू चीज बाप के साथ ध्यान से सुन ली। पहला ही घर के बंटवारा रोक ली और दूसरा अपना मांग के सिंदूर बचा ली। मने की दोनों जाना के आखिरी फैसला। बिजली लकीर खींचे के शुरू करा। बिजली कहां गैल तहार फुर्ती चला। ना मालूम केकर शराब लगल हमारी पूरा परिवार के। मासी मालकिन जरूरी बाका लकीर सीधा खिंचाए के चाहिए। इंच भर जमीन से भी समझौता मंजूर ना हो कि हमरा। हाँ बिजली हम एकदम मूड में पानी ये लकीर एकदम नाक के सीध पे खिंचाए के चाहिए और खींचत समय जरा भी हाथ कांपे के ना चाहिए। आलोक एक बार और सोच ला सरे।
अभी तो बस तनी सन छिनाइल बा, बहुत जल्द पूरा ना छीन लेनी था हमार नाम भी माया जाना। हमरा के माफ करी बाबूजी, हमके समझ में नहीं आवत कि जब तू आई बात हम तो के कौन मुंह देखाई। ये दोनों नालायक बेटा ना हो तुहार, तुहार सबसे बढ़िया नालायक बेटा तो हम ही जे, तुहार एगो देहल जिम्मेदारी भी हम ना निभा पाऊंगी। हम सच कहती मानसी, हमरा के माफ कर दिमाई। मछली मालकिन, ये घर के बंटवारा। बिजली, आज सांझी के कुछ मीठा बना दिया, बहुत खुशी के दिन बाज। मैं तोहार कोनो दोष नहीं खे मछली दुलाई, ये तो बिना भावना के बनावट, आई नकली सजावट, अब बात बात में बनावट, ये लिया इल्बा तोहरी मानसिक गिरावट। हर कोनो दोष नहीं खे में, ना कृष्णा, आपके ये फैसला हमरा मंजूर नहीं खे, रोक दी, अभी भी देरी नहीं खे भाई, हम आपसे विनती करतानी कि रोक दी, ना तक का जवाब देव हमारी बाबूजी के, उनके तई कुल देख के सीना छलनी हो जाए। कलंक की टीका हमार माथा पर लगे से रोक दी कृष्णा, हम ही बानी ही सबके दोषी। बंद करिए अपने आप के दोष देवे की क्षमा, इंसान हालात से लड़ सकेला लेकिन भाग्य से ना। ये घर के भाग्य में बंटवारा लिखल रहे जे भाई, ये मैं आपके कोनो दोष नहीं के। दोषी ना वो रात हम पार्टी छोड़ के गए रहते और ना आज ये दिन देखे के मिला, सब तक कुशल मंगल ही रहे हमारी घर में आवे से पहले, हमार कदम ही अशुभ, जब से पड़ल बा ये घर के सुख शांति सब छिना गए। आज भाई लोकर खाली एक ही इंसान जिम्मेदार बा, तुम्हार मजला भाई, काल तक वो अपना बीवी के कहले पे उठत बैठत रहे और आज चले फिरे लगल बा, अपन दिमाग अपना बीवी के अचरा में गिरवी रख के नाश के फेरा इसे ना आवेला क्षमा। रोके पड़ी नाश के फेरा निखिल देवर जी, कुछ भी करके आप तीनों भाई के ही रोके के पड़ी। बड़की दीदी आप ही समझाई ना इनके, आप तो बड़ भौजाई वानी ना, माई समान आपके बात कभी ना टाल पाई है, अगर मजला भैया ना तो फिर एक खुद काहे ना समझ रहे ले कुल बात, का जरूरी बा उनके साथ मुंह लगावे के और का जरूरी बा उनके हर बात काटे के। सब ठीक हो जाए श्यामा, उहो माँ बाबूजी के आवे से पहले, तू चिंता ना करा, तारे कृष्णा बाड़े नू भरोसा रखी। सब ठीक हो जाए बड़की भौजी, की और बिगड़ जाए ये तो समय बताई। आवे दी माई बाबूजी के पता चल जाए, लेकिन कभो कभो समय भी अपन रफ्तार धीमा कर देवेला। अरे निखिल समय के आंकल बंद कर बाबू, अगले हफ्ता में माई बाबूजी दोनों जना आवत हूँ। आ सबसे मुसीबत का बात यह कि बिना बतावल यावत हम ये देखे खातिर कि उनकी अनुपस्थिति में हमान को उनका तीनों लाडला कितना मिलजुल के रहते हैं जा। निखिल देवर जी छोड़ दीजिए बच्चा वाला जिद। भौजी जिद ना, गेहूं के जिद के जवाब, जिद के जवाब जिद से देवर जी, इतना तुल देवे की का जरूरी बा। लेकिन भौजी हम तुल देता नहीं, आपके पता हुआ कि महाभारत के दोषी की बात। क्रोध से क्रोध ना धुवाला, बात के समझी, मजला भैया के दिमाग आपन वश में नहीं थे, मजली दीदी उनके कान भर भर के बात के बतंगड़ बना देले भाई। का कह चाहता नहीं आप,
आप कहे चाहता नहीं कि मझले भैया बच्चा बाड़न केहू उनकर कान में फूक के सम्मोहित कर ली, यह कहे चाहता नहीं ना? अरे मतलब कुछ ना बाबू, हमारी काला का मतलब यह कि केहू के झुके के पड़ी ना। हा? देख अगर तू चाहत हवे ना तम तोर बड़ भाई है तुरी गोड़े पर गिरे खाए तैयार मान जो बाबू। बड़ और छोट के मतलब बात नहीं, अभी ये देखेंगे बा कि भाई भाई के संबंध जिंदा बाकी ना। हे कृष्णा शुभ शुभ बोली, का हो गई बाप के? ये दो आना के बात पर संबंध की तिलांजलि। क्षमा, कितना भाग करे बनी कि आप ही झमेला से दूर रहे। आज ही घर में जोन रेखा खिंचाइल बा वो एगो साधारण रेखा ना बल्कि एगो ब्रह्म रेखा बा, तो ना मिट सकेला ना बदल सकेला। हे निखिल। बड़का भैया अब आप ही कुछ करें, हमार तो सारा अकल हेरा खाई बा। एक सप्ताह में माँ बाबूजी लौट आई हैं, सोच के देखी तनी कि का बीती माई पर, उतक प्राण त्याग दी है आपन। अरे अर्जुन ऐसा कोनो बात ना हुई बेटा, बस कोनो धीरज रखा सब ठीक हो। कितना जी धीरज रखे की भी एक सीमा होला। अरे मानसी नफरत और प्रतिशोध कभी एगो सीमा होला, चिंता मत करा लोग महादेव सब ठीक करिए। श्यामा बेटा निखिल इसमें गुस्सा में है, तू ओके लगे जा थोड़ा ओके संभाला, जल्दी जा सब ठीक हो जाएगी। आपन चीज के अद्भुत मजा बाटे, अधिकार से जिया जौन मर्जी यू करा टांग पसार के सूता मुरी उठा के चला, ना केहू से लेवे के बा ना केहू के देवे के बा। अपन मेहनत मशक्कत और बुद्धि से कमावल चीज पे अधिकार जमावे में बड़ा मजा आवेला, लेकिन नहीं जाता फिरी के चंदन हिसा रघुनंदन। दूसरा के जिए के अधिकार छीने वाला अधिकार देवे के बात करता। बाह घोर कलयुग बा। जब अपन भाई कसाई हो जाए ना तो सतयुग के उम्मीद छोड़ देवे के चाहिए। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस भीमसेरिया, स्वागत बा। नमस्कार। थैंक। प्लीज वेलकम, आई बैठी है मैं। अरे निखिल बाबू फिर से चल देला सी श्यामा की तरफ, आदमी बाकी पचामाई। मिस्टर भीमसेरिया तशरीफ रखी है ने। माया जी ये हमारे नहीं समझ में आये, ये घरे के बीच में रेखा कल तक तो ये बात तो सबके मालूम बा, भाई भाई में बंटवारा महाभारत काल से प्रसिद्ध बा। मतलब अब आपसे का छुपावे के पा, जहाँ मन बंद ना वही जा कैसन संबंध रहे समस्या।
हो गए समाधान चुटकी में। रेखा खींच के मतलब अब सीता हरण में लक्ष्मण के बाधा नहीं थे, फिर तो रावण के विजय निश्चित बा। श्यामा अब के बचाए तहरा।